कुकिंग की हो खुद से? कुकिंग 22 साल हमारी चाची नहीं की थी तो खाना कौन बनाता तो था? मैं ही बनाता था, और इन हाथों से पराठे भी पकाए, इन हाथों से रोटियां पकाइया, इन हाथों से बच्चों की वो गुड्डा करके भी स्कूल भेजता था। ओ वेरी नाइस गुड, नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। वेरी गुड वेरी गुड। तो टैलेंट के लिए, और आपको पता ही है मास्टर की दुनिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे ये बताइएगा, पहले डिश कौन सी बनाई थी आपने घर में? पहले जी मैंने अंडा तला था। अंडा तला था? अंडा तला था। आपसे तला गया? जर्दी जरूर टूटी। इससे पहले आप क्या तलते थे? इससे पहले आपके बारे में पता चला आप कुछ और तलते थे? अंडा जला तो नहीं था? ते ऐसी दोवे ऑफेयर होंगे ना, ते लग पता जाना सी दोवानु। ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सुनाए सुनाए जरा शहजादी को, सुनाए सुनाए सुनाए। ओके जी, खुदा हाफिज। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। चाचा जेड़ा ना, ओ चाचा जी, तुसी अगर चाचा जी ना होंदे ते तुसी आरजे होना सी। ये थे हमारे साथ अंकल आवाजार। कौन सी प्रोडक्शन की फखरिया पेश के लिए नहीं बताया। ओके जी, आप लोगों को सुनाते हैं एक अदद गाना साहिर अली बग्गा की आवाज में, अलीजे शाह की आवाज में, और इसके साथ साथ इस गाने के बाद होगी कमर्शियल ब्रेक, और दोबारा कमर्शियल ब्रेक के उस पार हम खड़े होंगे, आप कीजिए हमारा इंतजार। मैं और शहजादी यही हैं, कहीं नहीं गए, आपके बज़्म में, आपकी महफिल में। शहजादी मेरे माइक में बोल रही है, उसका अपना माइक हालांकि अलग इन्ना खर्चा करके लग रहा है, लेकिन नहीं, और दिल में मेरे माइक की गल बात हो रही है, ऐसी आवाज चौकी साहब जानती ले जी। हम लोग फेसबुक पे भी लाइव है, दीदा तर कहती है माशाल्लाह दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं, शुक्रिया जी। नूर जट हमें कहती है थैंक यू वेरी मच, नाइस। इसके अलावा शहजादी, वैसे आपने देखा थोड़ा सा जो आप लोग प्रोग्राम करते हो जी, उससे थोड़ा सा हटके आज, बिल्कुल हटके है, नेचुरल, क्योंकि नेचुरल है, और लेकिन नेचुरल चीजें सारी प्यारी होती हैं। और अख्तर साहब चूंकि माशाल्लाह माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड है, और इनकी आवाज, इनकी प्रेजेंटिंग, तो इसका तो जवाब ही कोई नहीं। मैं खुद इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और मेरा बहुत ही एक दिल भी था, एक विश भी थी कि किसी दिन सर टाइम निकाले तो इनके साथ प्रोग्राम किया जाए, और आज चूंकि आरजू नहीं थी तो मुझे ये मौका मिला कि चले मैं सर के साथ प्रोग्राम कर रही हूँ, तो नेचुरल भी है। नहीं, ये बिल्कुल तारीफा हो रही है। नहीं बिल्कुल। अच्छा भाई, आप लोग कहाँ कहाँ से हमें देख और सुन रहे हो, प्लीज अपने इलाके का नाम जरूर बताइएगा, और दूसरे नंबर पर जी, पाकिस्तान से हो या पाकिस्तान से बाहर हो, ये कोई बड़ा गंदा बच्चा है, गंदा बच्चा, अच्छा जिद्दी बच्चा, वो जिद्दी बच्चा गंदा बच्चा ही होता है। गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, इसका जब तक नाम नहीं बदलेगा आपने इसका नाम नहीं पढ़ना, कौन सा बच्चा, इसको गंदा बच्चा ही कहना है जब तक ये अपना नाम नहीं बदलता। आज बहुत प्रोग्राम अच्छा, थैंक यू जी, वेलकम टू द शो। हमें गंदा बच्चा कहते हैं, वेलकम टू द शो, थैंक यू वेरी मच। ओके, और इसके अलावा आज चूंकि आरजू का प्रोग्राम था, शहजादी का प्रोग्राम, तो अचानक पता चला कि ये कैप्टन सीट मुझे मिल रही है, तो अच्छा लगा। आसिम हनीफ हमें ज्वाइन करते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग, दुबई से हैं, बहुत शुक्रिया जी। कहता है तुसी भावे गंदा ही बोल दो लेकिन मैं यही लिखांगा। दीदा तर कहते शहजादी आप बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। ओ दीदा तर, नहीं नहीं नहीं, ये ज्यादा ज्यादा मीठा पाता जी। शहजादी खुद एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि इनसे भी बंदे बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमेशा वही बैठता है जिसके पास कुछ होता है बांटने का। नासिर नाम है जी जिद्दी बच्चे का, जिद्दी बच्चे, अच्छा। नाम चेंज कर लो, शाबाश। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जब भी आपने आके फीडबैक देना, हमने नासिर के नाम से आपको फीडबैक, ठीक है। देखिए अल्लाह ताला ने आपको इतना अशरफुल मखलूकात बनाया, तो अड़ी चिमगादड़ भी बना सकता सी अगर वो चंद्र इतना खूबसूरत नाम, उसके बाद आपके वालदैन ने आपका इतना प्यारा नाम रखा, उसी आगे क्यों खराब कर देते हैं। मुझे वो जो बाबा की परियां है ना, उनसे भी इख्तलाफ है। अच्छा, वो बाबा की परियां, बाबा चाहे तो वो बोले उनको परी, वो अपने आप ना बोलन। अच्छा, एक लड़की थी, अपनी तारीफ खुद नहीं करनी, एक लड़की थी रंग मेरे जैसी था। अच्छा, तो पर लगा के कहती है देखिए अगर मैं, मेरे पर हैं तो मैं उड़ू तो परी लगूंगी, कहना नहीं चमगादड़ लगेगी।
ओके जी, बदनामियां समाप्त फरमा रहे हैं आप लोग, लेकिन जो समाप्त फरमा रहे हैं उनसे तो हम बात ही नहीं कर रहे, बात तो हम अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ कर रहे हैं। मोहम्मद असलम हमें कुवैत से ज्वाइन करते हैं, थैंक यू मेरे भाई। कैसे हालात और वाकयात है कुवैत के बताइएगा मुझे। पर जिद्दी तो तब अच्छा लगता है लिखना मुझे। ओके ओके जिद्दी, थोड़ी मर्जी भाई, देखें थोड़ा ना थोड़ी मर्जी। ओके ऐ क्या कैसी गल खत्म कर देने। ठीक हो गया। ओके जी, आज हमारा जो टॉपिक है बड़े मजे का है। एक तो ये है कि जब आप सफर पे जाएं, शहजादी की तरफ से ये पेस्ट हुआ है जी बिल्कुल। अगर और... आप सफर पे जाएं तो आप ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो आप अपने साथ लेके जाएंगे जिसके अलावा आपके पास और कोई चीज नहीं होगी। दीदी कहती है नासिर मदनी है, ना छेड़ो ना छेड़ो ना छेड़ो, पहली बड़ा छिड़िया जे तोड़े खा रही है तू। अच्छा जी, तौसीफ कहती है कि अस्सलाम वालेकुम, गुजरात से हूँ, थैंक यू। रामीन हमें ज्वाइन करती हैं, सलाम, कैसे हैं, बहुत शुक्रिया। और जल्दी बात खत्म होगी, ठीक हो गया जी, जिद्दी बच्चा बोलता है। अच्छा, वो बात कर रही थी शहजादी, शहजादी के हवाले से बात हो रही थी कि इसने टॉपिक पेस्ट किया है। मैं ही कह रही थी कि आपके अगर आपको अगर किसी सफर पे जाना हो तो आप ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो आप अपने साथ लेके जाएंगे जिसके अलावा आपके पास कोई चीज नहीं होगी, या आपने हमें बताना है कि वो ऐसी कौन सी चीज होगी। इसके साथ साथ सर ने जो एक क्वेश्चन ऐड किया वो ये है कि आपने अगर जिंदगी में कुकिंग किया है तो वो कौन सी पहली डिश है जो आपने पकाई थी, वो आपने बताना, वो एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर करना। वो आपसे अगर जल भी गई थी तो कोई बात नहीं, अगर वो खराब हो गई थी या बहुत थी वो टेस्टी बनी, सबने उसको एडमायर किया, ये भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो अपना अपने कमेंट सेट कर सकते हैं, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं हमारे खरिया एफ एम 97 के कॉन्टेक्ट नंबर पर। क्वेश्चन हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, तो अख्तर साहब भी हमें बताएंगे कि इन्होंने अगर जिंदगी में कुछ पकाया तो इन्होंने क्या पकाया और वो क्या कैसा पका था, लोगों को वो कैसा लगा था, मजे का था कि ये बस एवं था। पकाया का मतलब ये होता है कि कुछ आग के ऊपर घी वगैरह डाल के कुछ चीज बनाई हो, मैंने उबाला था पहली दफा कुछ। अच्छा, अंडा ही था वो भी, अंडा उबाला, ठीक है, अंडा उबला था और मुझे लगा उबल गया है, लेकिन जब मैंने उसको तोड़ा तो वो अंदर से रो रहा था कि मैं अले कच्चा। अच्छा जी, इमरान बड़ाई हमें ज्वाइन करते हैं और चौक आजम लैया से, ओ लैया से मेरे भाई मुझे ज्वाइन करता है, थैंक यू यार। लैया की कौन सी बड़ी प्यारी बात है मुझे बताइएगा, थैंक यू वेरी मच जी। बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं, लाइव हमारा बढ़ता जा रहा है। मीडिया पर्सन हमें ज्वाइन करते हैं जी, एक आईडी से सलाम, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जबरदस्त, थैंक यू। मैं खुद कुकिंग करता हूँ। अच्छा, ओके जी, मीडिया पर्सन अपना नाम जरा पहले लिखिएगा, फिर मैं आपका फीडबैक शामिल करता हूँ। वो कहते हैं मैं सेवैया बहुत अच्छी बना लेता हूँ। ओके जी, और वो कहते हैं जी, जिद्दी कहते हैं मैं चकवाल से हूँ। सेवैया तो कोई भी कभी भी बनाई जा सकती है। शहजोर हमें ज्वाइन करते हैं, सलाम कहते हैं। हाँ, शाजीन, शाजीन राजपूत। ओके, दीदातर कहती हैं या कहते हैं, मेल है या फीमेल है ये नहीं इन्होंने अभी तक बताया, ये कहते हैं कि फिंगर चिप्स मैंने पहली दफा बनाया। ओके, आबिद हुसैन गोंदल हमें ज्वाइन करते हैं और कहते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मैं सऊदी अरेबिया से हूँ, बहुत शुक्रिया। शाजीन राजपूत कहती है क्या हाल चाल है आप सबके, बेहतरीन, टिप टॉप, फिट एंड फाइन। इरफान तनहा हमें ज्वाइन करते हैं, वो कहते हैं सलाम, कैसे हैं, नाइस शो और आजाद जम्मू कश्मीर, पलंदरी से इनका ताल्लुक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा हमें कॉलर्स भी कॉल कर रहे हैं और हम लोग ऑडियो थोड़ी ऑन कर लें। मैं डस्का से हूँ जी, एहसान इकबाल मेरा नाम है, एहसन इकबाल। ओके एहसन, एहसन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। लीजिए जी, जो यहाँ पर मुझे कह रहे थे व्हाट्सएप पे, तुम अभी तक फेसबुक पे लाइव क्यों नहीं आ रहे, मैं आ गया। रजाक रजा हमें ज्वाइन करते हैं, अल्लाह अली अली रजा पाक आर्मी से, और प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। हम जरा यहाँ पे भी लाइव चले जाएं। वेलकम बैक, खुशामदीद एक बार फिर सभी सुनने वालों को, देखने वालों को 97 एफएम पर। मुझे प्यार से अख्तर वजीर कहते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे प्यार से आरजे शहजादी कहते हैं। मुझे प्यार से आरजे शहजादी कहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए शहजादी, घर माशाल्लाह मैरिड हैं आप, तो मुझे बताइएगा कभी ऐसा हुआ हो कि आप पे गुस्से से आपको कोई नाम डिफरेंट करके बुलाया गया? गुस्से से तो नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब हम आउटडोर जाते हैं तो जब भी मेरे हस्बैंड मुझे आवाज देते हैं शहजादी ऐसे, तो शहजादी ये बात सुने तो देखने वाले एकदम शॉक हो जाते हैं कि पता नहीं प्यार से कह रहे हैं इसको, कोई मतलब प्यार आ रहा है हस्बैंड का, तो वो फिर क्लियर करते हैं। अच्छा। नहीं, अब वो ज्यादा इस तरह से ना बात सुने, अच्छा एक्सक्यूज मी, वो अब नाम लेना उन्होंने जरा कम कर दिया कि जरा लोगों को गलत फहमी ना हो, गलत फहमी नहीं, लोगों को ना पता चल जाता ना की शहजादी ने कहा तुसी ए गल ले, फिर मैं रेडियो पे बैठ के दसन सारे ने मेरा ना की। अच्छा, पंजाब वाहिद एक ऐसा इलाका है जहाँ पर गुस्से से नहीं प्यार से नाम बिगाड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल,
ऐसे ही है, किसी को कुछ कह देंगे, किसी का अच्छा खासा नाम होगा, किसी का जो है वो जिशान नाम है तो उसको शानी शानी कहेंगे, तो या फिर यासिर, थैंक यू हालिया से, जी जी बोलते जाए, मैं साथ साथ फीडबैक दूंगा। मैमूना यासिर हमें ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल ऐसे ये नाम भी बिगाड़ देते हैं, बल्कि मेरे ख्याल से तो किसी का नाम बिल्कुल नहीं बिगाड़ना चाहिए, जो आपका नाम रखा गया उसी को आप आगे कंटिन्यू किया करें। इससे ये होता है कि जो आपका ओरिजिनल नाम है वो किसी को पता ही नहीं होता और बस निक नेम से ही आप जाने जाते हैं और एंड तक। आपको पता गाँव में नुसरत को पंजाबी में क्या कहते हैं? नुची। या नुच्छो, क्योंकि एक नाम आया सामने अचानक ही, तो मतलब नाम बिगाड़ने में ना हम लोगों ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ले लेनी है किसी दिन, मैं आपको बता दूं, जितना जितनी अच्छी हमारी परफॉर्मेंस नाम बिगाड़ने में ना कमाल ही है, किसी और काम में नहीं है। ओके जी, सफर में जाते हुए अगर मैं इनके हस्बैंड से पूछूं तो मुझे लगता है, अच्छा अगर आप देख रहे हैं भाई, मैं आपके हस्बैंड से मुखातिब हूं, अगर आप देख रहे हैं तो जल्दी से बताइएगा जब आप सफर में जाएं तो कौन सी तीन चीजें जिसको आप साथ लेकर जाएंगे। हाँ, अगर तो मैं बताऊंगा कि वो तीन चीजें क्या लेकर जाएंगे तो वो नहीं, वो उनको खुद बताने देंगे, उनको उनको अपनी राय देने का भी इख्तियार नहीं दिया हुआ आपने। मुझे मैं तो अपनी तरफ से बता रही हूँ, तो हो सकता है कॉल करके भी बता दे। नहीं नहीं, अगर सुन रहे हैं तो कॉल करें या मैसेज करें, जैसे भी करें जी। अच्छा जी अख्तर साहब, आपका निक नेम क्या है? मेरे कितने निक नेम बनाए हुए लोगों ने, मुझे प्यार से सोना मुंडा कहते थे कहते थे यकीन नहीं आ रहा। नहीं बच्चे पापा जानी नहीं कहते। आई एम गर्ल फ्रॉम खारिया। ओके शाजीन राजपूत, थैंक यू, अल्लाह लिव यू इस्लाम की, लिव यू से इस्लाम की आया पैगाम, लिव यू आईडी से। अच्छा राजा जब्बार हमें ज्वाइन करते हैं दुबई से। अख्तर भाई कैसे हो भाई? जेबी, इसको राजा जब्बार यहाँ पे रह के गया ना रेडियो पे। अच्छा। हम इसको जेबी बोलते थे, जेबी। ठीक। अच्छा नाम बिगाड़े हुए अच्छे भी लगते हैं वैसे, आपने देखे अंग्रेज इतना लंबा नाम हो छोटा सा कर देते हैं, आप तो रिश्ते भी छोटे हो गए ना, मम्मी से मॉम, सिस्टर से सिस, ब्रदर से ब्रो। उस दिन मैं केजी साहब का नाम पढ़ी थी फेसबुक पे, जो कि केजेड लिखा हुआ था, केजी लिखा हुआ जी, था, तो मैंने कहा गॉसिप विद केजी, गॉसिप विद केजी। और जी दुनिया तरक्की करके आसमान पे पहुंच गई, तुझे ले थे बैग के अपने ओरिजिनल नेम पे टिकट के में। ओरिजिनल नाम से निक नेम अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर थोड़ी सी ब्यूटी ऐड कर दी जाए। अख्तर भाई आज सोने लग रहे हैं, शुक्रिया जी, असल में वो रिफ्लेक्शन है शहजादी। ओहो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सलाम पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, एफएम की पहचान, और मेरे बहुत ही गोलू मोलू से, बहुत ही नॉटी से भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो, खुश हो, आपकी तबीयत कैसी है? मॉर्निंग शो कर रहे हैं आप, बड़ी बात है, खुशी हो रही है मुझे। और भाई मैं कॉल करूं, पता नहीं भाई मैंने कहां से करनी है कॉल, सबसे ये बोलूंगी कि प्लीज मेरे लिए दुआ करें, मासूम सी बहन आनिया। ओके अच्छा आनिया, आनिया आप खुश रहें, आनिया में क्वालिटी है जी। आनिया में क्वालिटी ये है जी कि ये सबको एक जैसा फीडबैक देती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहां से? असरार अहमद मुगल। असरार अहमद मुगल, कहां से? अपने इलाके का नाम बताइएगा। इलाके का नाम है बरोकी चीमा। कौन सा कीमा? चीमा बरादरी नहीं है, वो मेरा गांव है। अच्छा अच्छा, मैंने लगे कहता है कीमे वाला बर्गर। अच्छा ठीक हो गया, बरोकी चीमा से बात कर। हमारे गांव में बरादरी के ज्यादा ना, इसलिए इसका ये नाम है ना, बरादरी ना पार्टी। अपनी मदद आपके तहत सड़कें नालियां बनवाएं। सिस्टर के मायकी बात ठीक है, आप ठीक करें। अच्छा हेलो जी, जो बंदे होंगे ना वो कहते हैं गल सुनो भाई, शादी में पता वो ठोकरे होते तंबू बनाते हैं और वो किले गिली मिट्टी कच्ची जमीन इतने नहीं लाना, वो उठे करके लो बंदा एवं दही ले रहा हो, उसको गल सुनो शॉपर डबल करा लिया फाड़ जाना मैं तंबू। ये रास्ते चलते अचानक माइक ठीक नहीं है, आवाज सही नहीं आ रही, सेट करो लाइक। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह मोटरसाइकिल ही चला जाना दुपट्टा, स्टैंड उठा ले, ऐसा नहीं इंज भी होता है। और भाई ठीक ठाक हो? काफी है। मैं ठीक ठाक, अपना सुनाओ, नाम दोबारा बताओ। असरार अहमद मुगल। असरार अहमद, ये खुद इसके नाम के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। छुपे रुस्तम हो? पूरे असरार सा नाम है। पीकर हो क्या? ओ भाई सुते हैं, नाश्ता नहीं किया? भाई की वार की समझ आती है, आपकी वार की समझ नहीं आती। मैं दोनों की खराब है,
अच्छा इस बंदे ने अपना रेडियो नहीं ठीक कराना, छत पे जाके नहीं सुनना। अच्छा ए जिनिया गल ए जितनी जितना तजलील किया जा रहा ना वो सारी आवाज की समझ आ रही है। हाँ जी ठीक है, बाकियों भी सही आ रही है कि नहीं? आगे दीदा तेरे कहती है मेरा पिंड मेरी जिम्मेदारी। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अभी हमने कॉलर से बहुत ज्यादा बातें करनी थी लेकिन अफसोस उसको आवाज नहीं जा रही। जिसको अच्छी आवाज जा रही है वो कॉल कर ले 0537601961 आपका और हमारा मैजिकल कॉन्टेक्ट नंबर। देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन है। टॉपिक बड़ा प्यारा है, सफर पे जाने के लिए आप कौन सी तीन चीजें अपने साथ रखेंगे। इत्तेहार मत पंजन कसाना कहते हैं, आ रही है आवाज ठीक। ओके सलाम भी आया उनकी जान से, थैंक यू पंजन कसाना वालों। अच्छा भाई जिसका जिस इलाके से मुझे पैगाम और नाम आएगा उस इलाके को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग होगी। ओके गुड मॉर्निंग पंजन कसाना, क्या हाल है सर जी? मैं ठीक ठाक इफ्तार भाई, बोलें गुड मॉर्निंग शहजादी। गुड मॉर्निंग क्योंकि जिस इलाके से आएगा जी, आगे जी भाई ये मेरा अंदाज है सबको, मैं गोलू मोलू से भाई नहीं बोलती, वो बस आपको बोलते हैं। ओके मैं एक्सरसाइज करके स्मार्ट हो जाना फिर तुसी किन्नू गोलू मोलू को। इब्राहिम चौधरी हमें ज्वाइन करते हैं और कहते हैं कालरी भिंबर आजाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक है, सलाम तमाम सुनने वालों को, प्रोग्राम की तारीफ की। अली हैदरा में कहते हैं अख्तर वजीर भाई गुड मॉर्निंग। ओके इसके साथ मुर्गी के ऊपर जो होती है ना मुर्गे के ऊपर यार कमाल है, कलगी होती है। सॉरी सॉरी आप कलरी बोल दे, कलरी 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 तो कुलरी से सुनने वालों को कहेंगे गुड मॉर्निंग। ओके ग्रीन लाला मुसा से सबको सुबह बखैर। रिजवान अहमद हमें ज्वाइन करते हैं, ये जहाँ पर भी जाते हैं साथ में अपनी जो है ना वो मार्केटिंग भी कर रहे होते हैं। अच्छा फ्री मार्केटिंग है, ये जरा बेस्ट टूल है। अस्सलाम वालेकुम अख्तिसा, माशाल्लाह बड़े दिनों के बाद नजर आए, मैं इब्रार गुजरात से। ओके इब्रार कैसे हो, खैरियत से हो? अच्छा जिसको अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, एक छोटा सा बटन है आपके पास बना हुआ जिसपे लिखा हुआ शेयर, बिल्कुल मतलब इसका मतलब ये नहीं कि इसको दबाने से कोई शेयर आ जाएगा, इसको दबाने से मेरा पैगाम आगे जाएगा जी, और हमारा पैगाम दुनिया के कोने कोने में पहुंचाए ताकि हमारे मैसेजेस हमारा कंटेंट सब तक पहुंच सके, ताकि लोग इंटरटेन करें, ताकि लोगों के चेहरों पे स्माइल आए। और किसी के चेहरे पर अगर आपकी वजह से स्माइल आती है तो पता है आपको स्माइल मुस्कुराहट भी एक सदका है। सर आप स्मार्ट लग रहे हैं, खैरियत है ना? अच्छा आपको कह रहे हैं, मुझे नहीं सर कह रहे हैं, सर कह रहे हैं मुझे तो हम दोनों की नहीं है। जिड़ा मर्जी अपने आप में सर कह रहे, वो पीछे ना सर बता रहे थे कि जी मैं डाइटिंग भी आजकल स्टार्ट की है, बस मैं अपना खाना खा रहा हूँ इसका मतलब मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, बाकी नहीं खा रहा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? अगेन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अगेन हमजा बात कर रहे हैं फ्रॉम खारिया जी। हमजा क्या रह गया था कहने वाला, भाजन थोड़ा बकाया तो नहीं रह गया? अच्छा तो अनु मतलब घंटा लाइव ले जा, मैं तुसी रेडियो दे जिवें लाइसेंस दा सालाना देंदे हो। असल में आप आगे ना अपनी मशहूरियाँ चलाते हैं, इसलिए फिर मशहूरियाँ पैसों की चलती हैं, फ्री फंड में नहीं चलती। आप कह सकते थे भाई मैं खारिज करता हूँ, आप कह सकते थे मैं मतलब जो इतने अच्छे काम है मैं मदद करता हूँ, तुसी कहता मैं पर्दे बेचना। आपसे जब कोई पूछे ना आप क्या करते हैं, आप बोले मैं बीए करता हूँ, मैं एफए करता हूँ, मैं हमारा खड़ी एफएम 97 पे कॉल भी करता हूँ। हाँ कितनी अच्छी बात है, झूठ मारना वाइज चीज है जिसको दर्द नहीं होता लेकिन मारी जाती है झूठ। तो बताएं कि आप टॉपिक के हवाले से क्या कहेंगे, अगर आपको किसी सफर पे जाना पड़े और आपके पास सिर्फ तीन चीजें हो तो वो आप क्या लेके जाएंगे बताएं जी? मोबाइल पहले नंबर पे, ओके दूसरे नंबर पे टेंट पॉइंट थ्री कार्ड, ओके और फिर वॉलेट में किराया ओके तीन चीजें, पैसे मोबाइल और एंट्री कार्ड। हाँ जारी बात है, वापसी तो नहीं आएगा ना जो तू कैंट एंट्री पास नहीं होगा। कैंट एंट्री कार्ड, कैंट पास। अच्छा ऐसे लोग भी हैं जो जिनके पास पास ही नहीं है और वो पास होते रहते हैं, ऐसे लोग भी हैं जिन्हें नो कैंट एंट्री पास नहीं दिखाना पड़ता तो सलूट बज देना, सलूट के साथ अंदर जाते हैं। ठीक है ओके भाई अब कॉल बंद कर दूं अगर आप इजाजत दें।
ओके दीदा तरकती शहजादी, माशाल्लाह आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मेहनत करें बहुत आगे जाएंगी। थैंक यू सो मच। जब कोई ऐसा कहते ना यकीन करें मेरे दिल में वो खुशी से वो फूल खिल उठते हैं। मैम मुझे भी इन्होंने खुशी से ऐसी फुलाया है। अच्छा नहीं दिल में बिल्कुल बिल्कुल नहीं फूलना खुशी से। आदि शेख हमें ज्वाइन करते हैं और कहते हैं हमारे हमें खुशी है कि हमारे डिंगा का नाम आपकी वजह से रोशन है। जी जी, जी डिंगा से कॉल करने वालों को कहेंगे हैप्पी संडे। अख्तर भाई यहाँ सुलेमान के हमहम पे आपको बहुत देखा कर देते यार कोई चंगी यादाश्त रखनी थी, सुन रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, सुलेमान सुलेमान का हम बड़ा फेमस है यार हमारे इलाके का ये बंदा। हाँ ये हमारे बड़े ही वो क्या कहते हैं ना चाइल्डहुड फ्रेंड है। अच्छा। तो इनके साथ वहाँ पे बड़ी गपशप हुआ करती थी आदि शेख लोगों से। अच्छा। और जिस जगह पे ये बैठ के सुन रहे हैं ना ये जगह भी हम लोगों ने हम दोस्तों ने बहुत ज्यादा इस एरिया को एंजॉय किया हुआ है। इस जगह पे हम लोग आया करते थे और सुलेमान भाई आपको भी हम बड़ा मिस करते हैं। खुश रहिए खुश रहिए। सुलेमान भाई के साथ एक दफा इंडिया जाने का प्लान बना रहे थे हम लोग कि हम इंडिया, लेकिन वो हमें छोड़ के खुद अकेले निकल गए थे। ओके जी ये जाटला से हमें ज्वाइन किया है सलाम जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जाटला से सुनने वालों को गुड मॉर्निंग। मैंने तो माइक नेड़े कर दिया, मेरे माइक बोले जा रहे हैं हुण तुसी मेरे अब आपने मेरे माइक में बोला मेरी आवाज क्लियर जा रही है। अब आपने मेरे माइक में बोला ना मैं आपका माइक उठा के ले जा रही हूं। थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे माइक जाके बोल रहे थोड़ी मतलब इस तरह के जो बच्चे बचपन में थे ना वो अपनी आइसक्रीम खा के 7 साल लगी हुई थोड़ी सी टेस्ट कर लिया करते थे, ऐसा होता था ना। बल्कि इस तरह के बच्चे जो है ना वो खुद खा पी के ना अपना तो बहन या भाइयों में से किसी के हाथ में कोई चीज होती थी खाने की फिर रोने लग जाते थे कि मैंने मैंने और खानी है। आजकल के बच्चे भी वैसे ऐसे ही हैं, ऐसे करते हल्के फुल्के नदीदे बच्चे हैं ना। ओके जिनके हस्बैंड का मैसेज आ गया वाह, कहते जी मैं अगर सफर पे जाऊंगा तो 3 चीजें साथ लेकर जाऊंगा, एक तो शहजादी, साथ एक बड़ी सी टेप। कौन सी? ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है। और साथ एक कैंची। ये कैंची क्यों लेके जा रहे? नहीं बाकी नहीं, अब ये क्या काटना है? नहीं आपने अपनी तरफ से बोला, नहीं कोई नहीं मैसेज आया उनका, ये अपनी तरफ से लगे हुए उधर के आके आपने देखा नहीं? नहीं 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 देखा तुझे कितना डरा के रखे ने अपने मियां ने, कितना डरा के रखा है। शरारत अभी तक तो ठीक था लेकिन आगे से वो टेप और कैंची नहीं बिल्कुल नहीं। देखे कोई चीज होती है ना मतलब टेप तो सुनने वाली भी हो सकती है, उन्होंने मेंशन नहीं किया। मुझे टेप और कैंची से तो फिर यही समझ आ रही है ना क्या कर रहा है या बहुत बात कीजिए। नहीं सेकंड में तो मेरे हाथ से वो अगर लेके जाएंगे तो वो एक मोबाइल फोन अपना लेके जाएंगे, थर्ड अब अगर वो कॉल करें तो बताएं ना कि वो क्या लेके जाएंगे, बताएं ना। तीसरी चीज नहीं होना तो हमें दसनी, तीसरी क्योंकि तीसरी हो सकता है जिधर जा रहे हैं उठे हुए हो सकता है हो सकता है हो सकता है। देखे ना लड़कियों के बारे में कुछ भी बईद नहीं है, कहीं पे भी बैठ के कोई भी उनसे बात कर दो ना शक का बीज पहले दिल में आता है, ऐसा ये दुरुस्त है? नहीं दुरुस्त नहीं, हर जगह शक्की मजाज नहीं होती, हर जगह ऐसा नहीं है। नहीं शक्की मजाज नहीं होती लड़की हर जगह, नहीं वो तो फिर लड़के भी होते हैं हर जगह ऐसा नहीं। अच्छा लड़के डिपेंड करता है कि बंदे ने खुद को कितना मेंटेन करके रखा हुआ है। ये तो जो अगर यकीन करें हस्बैंड वाइफ का अगर रिलेशन है तो वो तो है ही एक यकीन का रिश्ता, इसमें तो शक की गुंजाइश ही नहीं है। अगर शक करेंगे तो फिर जिंदगी कैसे गुजारेंगे। हम लोग कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाते हैं जी और इसके बाद आके यहाँ से बात करते हैं सादे त्री का, हमारे साथ रहेगा जी। हुन बोलो जरा खुल के फेसबुक वाले के सामने। हाँ तो बोल रहे थे क्या बोल रहे थे शक के बारे में? नहीं शक के बारे में मैं ये कह रही थी कि अगर हम एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में अगर शक आ जाए तो फिर तो वो रिलेशन का मजा ही नहीं रहता। तो ये तो एक यकीन का रिलेशन है, एतमाद का रिलेशन है, ट्रस्ट का रिलेशन है। एतमाद रखें कि वो खराब है बिल्कुल नहीं, यकीन होना चाहिए खराब है, शक शुक नहीं करना मेरे अंदाज में। आप यकीन रखें कि वो ठीक है, वो भी आप यकीन रखें। अच्छा। और देखिएगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरती से गुजरती है। ऐसा ही है जिंदगी होती खूबसूरत है, ये हम लोग खराब कर रहे हैं, हम लोग खुद ही से हम खराब करते हैं। इसे हमने एंजॉय भी खुद करना है, इसको हमने इसके टेंशन भी हमने इसकी खुद ही पालनी है। तो जितना आप अपनी ब्लेसिंग्स का जितना आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। जितना आप शुक्र अदा करेंगे आप उतना अच्छा फील करेंगे, उतना हैप्पी फील करेंगे। फेसबुक वालों आप लोगों में से किसी ने कभी कोई कुकिंग की हो नाम लिखो और डिश का नाम लिखो जो आपने कुकिंग की है, ठीक है?
सुफियान हमें ज्वाइन करते हैं, सलाम कहते हैं, अपने इलाके का नाम बताओगे तो इलाके को गुड मॉर्निंग भी होगी। भाई आदि शेख हंस रहे हैं, हंसो हंसो खुल के, ये भी आपके मसल्स की बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, हंसते रहा करें जी, और फ्रेश रहता है। आपको पता है बंदा बाज़ औक़ात टेंशन से भी मोटा हो जाता है। हाँ, ऐसे टेंशन में कुछ नहीं से नहीं खाते हैं मोटापे भी है ना। अच्छा, कि टेंशन में कुछ लोग बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, वेट गेन कर लेते हैं। नहीं, वैसे एक इंटरनली प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है टेंशन से, उससे भी मोटापा शुरू हो जाता है, खून कम बनता है। अच्छा जी, कहाँ से, कहीं से है भाई कोई? उन्होंने नाम ही नहीं लिया, देखें शहर का नाम नहीं आया तो अपने नाम ही नहीं मेंशन किया। सुफियान मुगल हमें कहते हैं पंजवड़ियां से हूं, पंजवड़ियां वालों को कहेंगे हैप्पी संडे एंड गुड मॉर्निंग। ओके जी, गुड मॉर्निंग पंजवड़ियां, ये नाम का मतलब क्या है? हमने पंजाबी में आके पता चला कि वड़ियां जो है ना वो कुछ होता है खंडी, खाने वाली चीज होती है, तो वो को पांच थी तादाद में जो पंजवड़ियां था या बनती होंगी क्या था भाई? सुफियान बताओ जरा अपने इलाके के बारे में। असलान हमें ज्वाइन करते हैं, थैंक यू वेरी मच असलान, प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं। साथ में ये भी बताइए कि आप कहाँ से हो, और ये भी बताइए कि अगर आपने कुछ पकाया तो आपने क्या पकाया, और इसके साथ साथ अगर आपको किसी सफर पे जाना पड़े तो आप कौन सी ऐसी वो तीन चीजें हैं जो आप अपने साथ लेके जाएंगे? शहजादी, आपने वैसे जिंदगी में पहली बार क्या पकाया था? अगर मैं शादी से पहले की बात करूं तो वो तो मुझे कुछ ऐसा याद नहीं है कि मैंने क्या पकाया था, लेकिन शादी से बाद के जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि मैं कुकिंग में इतना एक्सपर्ट नहीं थी, तो पहली दफा जो मैंने पकाया था वो मैंने पराठा बनाया था, नौमान कहते हैं सलाम अलैकुम, कैसे हैं, पहचाना आपके साथ गया था मंगला। हो नौमान, पहचाना जी, क्यों नहीं पहचाना, प्यारे भाई सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सरदार, सरदार उमर खान। और सुफियान कहते हैं सर वैसे तो डोगा से हूँ बट आप पंजवड़ियां, अब पंजवड़ियां घर बनाया है, वेरी गुड, शाबाश। और इरसलान कहते हैं कि मोहल्ला गढ़ी वाला, इरसलान भट हमारे हमारे वाला सुनने वालों को कहेंगे खुशामदीद, और ये डिंगा में ही है। अच्छा, सुफियान कहते हैं कि आपका पता नहीं, बस ये पता है, अब का पता नहीं लेकिन ये पता है कि पंजवड़ियां मतलब। अच्छा, वही जो मैं कह रहा हूँ। अली हैदर कहते हैं अख्तर भाई आपका प्रोग्राम लोगों को बहुत आगे तक लेकर जाएगा। है कौन से लोगों को? अच्छा, वजीराबाद से हैं, ओके जी। अशरफ अली में ज्वाइन करते हैं, वाजिद अली ज्वाइन करते हैं जी। और टंडू मोहम्मद खान जी, टंडो, ये क्या नाम है भाई आपका, बड़ा खूबसूरत सा नाम है, मैंने जरा थोड़ा आसान जुबान में आसान भाषा में। देखिए मतलब सिटीज के नाम है, इलाकों के नाम है, लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि इसे क्या बनता है। बहावलपुर से जनाब पैगाम है, बहावलपुर को गुड मॉर्निंग बोले, थैंक यू। बहावलपुर से सुनने वालों को कहेंगे गुड मॉर्निंग। ओके जी, अशरफ अली, अशरफ अली है, शराफ अली है, ओके, जो भी है, बड़ा ही प्यारा नाम है, अशरफ भी बड़ा प्यारा नाम होता है। अच्छा जी, बात हो रही थी पहली बार खाना बनाने की, तो शहजादी कहती हैं कि खीर बना के सबको दी और पराठा बना के मियां को दिया जी। क्यों, मियां से दुश्मनी थी, उन्होंने मोटियां करना चाहिए, उन्होंने जॉब पे जाना था। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, बचपन से आपकी बात, हाँ बहरीन से, बहरीन से जी, मुझे लगा आपकी बचपन से, बहरीन से सुनने वालों को कहेंगे वेलकम टू द शो, मोस्ट वेलकम, और चौधरी अस्सलाम वालेकुम, चौधरी मोहम्मद जमान हैं, सलाम कहते हैं बहरीन से, आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। दूसरा ये कि अपने इलाके की खबरें मिल जाती हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, थैंक यू। सुफियान कहते हैं कि मैंने आज ही ज्वाइन किया और आप लाइव आ गए, आइंदा भी करता रहूंगा, ओके थैंक यू वेरी मच सुफियान जी। शहजादी तो पहली बार जो खीर बनी, कुछ ना पूछे, ठीक है ओके नेक्स्ट, नहीं पूछता, बनी मजे की लेकिन बनी बड़ी मुश्किल से। बनी तो बहुत अच्छी, लेकिन आपको पता कि वो माशाल्लाह सारी फैमिली के लिए थी, और वो कुछ ऐसा एक डर सा था कि पता नहीं कैसी बनेगी, पता नहीं पसंद आएगी कि नहीं आएगी। और ये मेरे ख्याल से जो हर फीमेल होती है जब उसकी उसके लिए उसकी पहली दफा कुकिंग होती है, तो वो किचन में एक डर होता है कि कहीं कोई कम ना हो, कहीं कुछ ज्यादा ना हो जाए, तो ये एक नेचुरल चीज है, लेकिन ये ऐसा होता है कि सबको पसंद आ जाती है, सब एडमायर करते हैं, तो वैसे ही दिल करता है फिर खाना बनाने को, सबको पका के देने को, तो उसके बाद तो फिर आप चाहे देंगे पकवा ले।
वेलकम बैक, खुश आमदीद एक बार फिर सभी सुनने वालों को। मैं और शहजादी लाइव थे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे और रियाज अब्बासी भी हमें ज्वाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मॉर्निंग शो, बहुत अच्छा है। सलाम टू ऑल, रियाज अब्बासी पाक आर्मी क्वेटा से, क्वेटा कैंट से, क्वेटा वालों को कहेंगे खुश आमदीद। ओके जी, बात हो रही थी शहजादी के साथ और ये कह रही थी कि मैंने शादी के फौरन बाद खीर बना के दी, तो मैंने कहा जितने सुनने वाले हैं उनके साथ भी शेयर कर ले। कहती थी कि एक साइड मैं खीर रखी सी, दूसरी साइड मैं हांडी रखी हुई सी, कि अदरक लहसुन मैं खीर च पाता थे, हांडी च मैं चीनी पा दी। उसके बाद जो दुर्गा तो वो अलग एक दास्तान है, वो मैं बता नहीं सकती। हसानी जराल हमें ज्वाइन करते हैं, सुबह खैर का पैगाम, बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। इसके अलावा खैर मोहम्मद हमें कहते हैं कि ठीक हो गया। ये खैर मोहम्मद जो है मुझे लगता है मेरे पठान भाई हैं, और बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने बताया कि मैं कौन से इलाके से हूँ। ओके जल तराशा। अरसलान कहते हैं कि अपने इलाके की खबरें बहुत अच्छी आप लोग देते हो, बहुत शुक्रिया जी। उसामा हमें उसामा चुगता ही ज्वाइन करते हैं, गुड मॉर्निंग भावलपुर से जी, हमने भावलपुर को गुड मॉर्निंग कह दिया। चिश्ती जी हमें ज्वाइन करते हैं, सर क्या हाल आपका। और भक्कर से जी, भक्कर को भी गुड मॉर्निंग। ओके गुड मॉर्निंग टू ऑल लिसनर्स फ्रॉम भक्कर। भक्कर आप कभी उस साइड पे विजिट हुआ आपका? नहीं, मेरा तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे फादर भक्कर जाते थे अपने कारोबार के सिलसिले। बड़ा अच्छा इलाका है भक्कर का, ये जो इलाका ना थोड़ा सा सैंडी है, पता है आपको, रेतला। ट्रेड के सिलसिले में जाया करते थे। हाँ, भक्कर में काफी अच्छी ट्रेडिंग होती है। ब्यूटीफुल आवाज फ्रॉम भावलपुर। ओके थैंक यू। हसानी जराल कहते हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम चला है, बेस्ट विशेस, बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, बहुत शुक्रिया। सर आप बताना कि आपके लिए सबसे पहले क्या पका था? मेरे लिए बहुत कुछ पका था, क्योंकि मैं राइस लवर हूँ। अच्छा, मीठा इतना मैं शौक से नहीं खाता, मैं बहुत ज्यादा चावल खाया करता था, राइस लवर था। वैसे चावल ही होते हैं। हाँ, लेकिन मीठे होते हैं। अच्छा, मीठे होते हैं। तो मैं ना नमकीन खाता था, खास तौर पे मटर पुलाव बनी हो तो बस कोई मेरा दिल मांग ले, मैं कहता हूँ ले जाओ बदले जी की प्लेट मटर पुलाव दे। अगर अच्छी बनी हो तो फिर तो कमाल ही हो जाता है। कभी खाया करते थे, अब तो डॉक्टर ने मना कर दिया, ना कहीं तुसी चावल दे नेड़ियो भी नहीं लगना जी। तो अगले दिन मेरे पास से ट्रक गुजरा था राइस का ना। अच्छा। तो मैं थोड़ा फासले से होकर गुजरा, डॉक्टर ने मना किया चावलों दे नेड़ियो नहीं लगना। ना मैं कच्चे ने नेड़ियो नहीं लगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, और इटली से हैं, बहुत शुक्रिया अदनान। इटली से सुनने वालों को कहेंगे वेलकम, गुड मॉर्निंग भी बोले। गुड मॉर्निंग होगी ना इटली में? इटली में बिल्कुल होगी, मॉर्निंग हो चुकी है। मलिक रिजवान अवान में ज्वाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मलिक रिजवान हूँ फ्रॉम कहाँ से जी, शारजा से, यूएई। शी इज वेरी नाइस, गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग डे है बस मेरे ख्याल से, तो डेफिनेटली हमारे टॉपिक का नाम जी गुड मॉर्निंग डे। ओके जी, कॉलर से भी हम बात करने वाले हैं, 0537601961 आपका हमारा मैजिकल कॉन्टेक्ट नंबर, आइए और आकर इस पे कीजिए हमारे साथ गपशप बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अड्डा चील होके बोले तुसी अदर टीले, नाश्ता नहीं किया मेरे भाई ने अले तक। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हो? अच्छा, मेरी आवाज नहीं सुनवानी है, दिया देनी है। देखिए ना, फिर मेरा माइक ठीक चल रहा है। जी जी जी, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। तीन दफा जेड़ा सलाम करे जन्नती है, जा मेरा भाई तू जन्नती। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। मलिक रिजवान कहते हैं कि मेरा ताल्लुक खारिया सिटी और खारिया कैंट से। अच्छा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग खारिया सिटी, खारिया कैंट, थैंक यू जी। कॉलर कॉल करते वक्त अपना छोटा सा रेडियो जरूर ऑन रखें, ताकि अगर आपको यहाँ से आवाज ना आए तो वहां से जरूर आ जाए। वही लहजा है मगर यार तेरे लफ्जों में, पहले एक आग सी जलती थी, बुझा दी गई क्या? ये तो आपकी नहीं है। गुड मॉर्निंग का पैगाम, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अच्छा, ये कोई नहीं बता रहा उन्होंने पहले डिश क्या बनाई थी, कॉलर से पूछेंगे, कॉलर से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? तो टॉपिक के हवाले से बताइएगा कि आपने अगर पहले कोई डिश ऐसी बनाई है, वो पहली डिश कौन सी थी, सबसे पहली डिश? दाल, कोटा वाले। हेलो रियाज, मुझे बताइएगा कि आपने जिंदगी में कभी कुछ पकाया? क्या बोला, आवाज कम आ रही है आपकी, कोई सेट आपने जिंदगी सेट में कोई मसला है आपको, आवाज आ रही है पजन? जी जी, अभी आ रही है।
अच्छा हूं मैं इंज करके बोल रहा हूं, नहीं तो मैं खंबे से चढ़ा लगा सी, मैं तुम दस दी। अच्छा ये बताएं कि अगर आपने कभी कुकिंग किया तो सबसे पहले आपने क्या पकाया था? मैंने पकाई थी भिंडी। भिंडिया? ओह लेडी फिंगर। लेडी फिंगर, लेडी फिंगर। हैं? कैसी पकी थी? तोड़े बारे तोड़े दोस्त अक्सर कहते हैं कि गुड वेरी गुड, लेकिन जब सबसे पहले पकाए फर्स्ट टाइम पकाए तो अक्सर खराब नहीं हो जाती? मैं ठीक ठाक। आप मुझे लाइव सुनो। मुझे एक वाकया याद आ गया, मेरा एक दोस्त था काशिफ, कहते हैं मैं बाहर गया तो बाहर पता खुद बंदे खाना बनाते हैं। जी बिल्कुल, खुद करनी पड़ती है। एक दिन उनका दिल किया, नाम लिखे हुए थे कौन से दिन कौन बनाएगा खाना। अच्छा। काशिफ की भी बारी थी, कभी कोई सब्जी बना दी, कभी कोई बनानी तो उसको आती नहीं, उसने खैर कोशिश की, बनाना सीख लिया। अच्छा। एक दिन ना उसकी बारी आई और लोगों ने फरमाइश की कि यार आज जो है ना वो कलेजी पोर्ट खाने को दिल चाह रहा है। आपने भी बनाया होगा कभी जिंदगी में? हां कलेजी बनाई। अब उसको, हाँ जब मतलब मैं भी सिर्फ कलेजी खाता हूँ, खासतौर पर जो बाकी के लवाजमात है ना वो मुझे देखे भी नहीं जाते, खाना तो बहुत दूरी होता है। कुछ लोग खाते हैं, खाते हैं। अब उन्होंने कहा जी, काशिफ को पता नहीं था कि बनते कैसे हैं, वो बाजार से ले आया, उसने ला के साफ भी कर दिए ऊपर ऊपर से। उसको नहीं पता था कि ये काट के। आप ना सुने, मैं उनको सुना देता हूँ। खाना पक गया। अच्छा, खाने वालों ने खा भी लिया? नहीं। अच्छा। खाने वालों ने जब खाने के लिए लुकमा लिया ना, ओए ओए, और उसको जरा जोर से दबाया तो पता चला कि सारा खाना ग्रीन ग्रीन हो गया। उन्हें पता नहीं सी किंजी पकाए देने, उन्हें फिर एंजी चार देते। उसके बाद उन्होंने दोबारा उन्हें फिर खाने का नहीं फिर बोला। उसके बाद चरागों में लिस्ट में सुनकर नाम निकाल दिया गया। अच्छा जी, हसानी जलाल कहते हैं अभी तक ऐसा हादसा पेश नहीं आया डिश बनाने वाला। हादसा नहीं होता यार, भी कुछ पका लेते हैं। नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात है, कुकिंग वगैरह करनी चाहिए इसमें। अगर किसी को नहीं आती, जब मुझे नहीं आती तो इसमें कोई मुझे इस पे प्राउड नहीं है, शर्मिंदगी है। ये देखिए, दुनिया में जितना मजेदार और लजीज खाना बनाते हैं मेल बनाते हैं, चेक करें। ऐसे शेफ्स जितने देखे बड़े-बड़े होटल्स में, तो जितने पिज्जा आप खाते हैं, जितने आप चिकन फ्राइज खाते हैं, जितने आप फैमिली बकेट्स खाते हैं, जितने आप, मेरा दिल चाह रहा है मैं ना ही ना लवा। ये सब मर्द बनाते हैं, पता है आपको। आरजे इस्मा कहती है गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग इस्मा, कैसी हो? तबीयत ठीक है? सब खैरियत है? ओके जी, तो यहाँ पर फेसबुक वाले काफी ढीले नहीं है। चले मैं, हम बांट लेते हैं जी। फेसबुक आपकी, मुझसे पढ़े नहीं नजर। चले फेसबुक मेरी। हाँ, फोन आपका, ठीक हो गया। देखते हैं कि हमें सबसे अच्छा फीडबैक कहाँ से आता है। कहाँ से आता? ओके, मैं अब इधर कैंपेन चलाने वाला हूँ, आपने इधर कैंपेन। तो आप कॉल्स करनी, मैं कह रही देखिए कॉल्स आपने देखनी है कि कौन कॉल कर रहे हैं और आपके मुताबिक फीडबैक दे रहा है कि नहीं दे रहा। चलो मैं आपको हेल्प कर दूंगा, कॉल आती है मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है जी? ठीक, ओके। तो मैं यहाँ पे लोगों को बोलता हूँ जल्दी से जल्दी कॉल। बहुत अच्छा लग रहा है जी, इतने टाइम बाद आपको सुनकर इस्मा का कहना है, बहुत शुक्रिया इस्मा। जल्दी जल्दी से बता दो भाई, जल्दी जल्दी से बता दो आपने पहली दफा कौन सी डिश बनाई जी। देखिए मैंने अपना फीडबैक ले लेना आपके सफर वाले। हाँ, तो आए ना कॉल करके बताएं कि ये सबसे पहले आपने क्या पकाया था, और अगर आप किसी सफर पे जाएं तो आप कौन सी तीन चीजें जो आप लेके जाएंगे। आपने मुझे बताना, मुझे कॉल करनी है। ओके, मैं कॉल रिसीव करूंगी। हमें किसने कहां से याद फरमाया? दुआ भट्ट हमें याद फरमाती है, गुड मॉर्निंग के पैगाम। सलाम भाई, आपकी आप बहुत, आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अभी इस्मा बताएगी कि उसने पहली डिश कौन सी बनाई। दीदा तर आप भी बताइएगा आपने लाइफ में पहली। हाँ, उन्होंने तो बता दिया था कि मैंने पोटैटो चिप्स बनाए थे। कैसे बने थे? ठीक थे? जलते नहीं थे? जले या नहीं जले, सारी छड़ो है, दसो कि उन्हें आकड़ सी। चिप्स बनाने में सबसे बड़ी ट्रिक होती है कि वो आपको बिल्कुल क्रिस्पी होने चाहिए, ठीक है। तो मैं जब भी चिप्स बनाए ने, मैं ऐसा पढ़ना नाल ही चिप्स हो जाता है, लेजी चिप्स। मोहम्मद हारून ने मैं ज्वाइन करते, सलाम, नाइस प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच। ओके, वो तो आई मेरा संडे को एज अ रेस्ट डे भी ये लोग गुजारते हैं। नहीं जी, देखिए मेरा फीडबैक चेक करें। इस्मा क्या कहती है? कहती है पहली बार मैंने रोटी बनाई थी, मुझे रोटी बनाने का शौक था, गोल नहीं बनी थी पर सबको खानी पड़ी थी। अब ये नहीं पता वो कौन सी कंट्री का नक्शा बन गया था। अच्छा। लेकिन कहती है था अच्छा, सबको खानी पड़ी।
जिन अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल? आई एम लाइबा फ्रॉम मलका। सूरज आज लग रहा है कि मगरिब से निकला है। अच्छा, आहिस्ता बोलेंगे तो फिर आवाज सही आएगी। कुछ भी तो नहीं लेकर जाती अगर सफर पे जाऊं। अच्छा, और आप ही आरजू क्यों छुट्टी पर हैं? जी, आप ही आरजू आप क्यों छुट्टी पर हैं? बंदे के 100 लफड़े होते हैं भाई, छुट्टी भी कर सकते हैं। जिनका इश्क सच्चा हो वो कब फरियाद करते हैं? अच्छा। और आगे? लबों पे खामोशी दिलों में याद रखते हैं। वाह। मैं खुद कुकिंग करूं तो मुझे पसंद नहीं। अच्छा, अच्छा, अच्छा अपनी, जिस तरह से लाइबा ने लिखा है ना, हू बहू मैंने वैसे ही पढ़ा है। इतनी स्पेसेस, इतना गैप, मैंने अच्छा। भी उसी स्पेस जरूर से गैप से अक्सर ऐसा होता है कि अगर बनाए ना दूसरों को पसंद आ जाएगी, खुद नहीं आएगी। और उसका मेन रीजन जो मुझे लगता है वो ये कि हम पका के इतना थक जाते हैं कि बस वो फिर खाने का टेस्ट ही नहीं आता। ऐसा ही, ऐसा ही है। डॉक्टर अफजाल अहमद हमें ज्वाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अख्तर भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अफजाल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हमारे बड़े प्यारे भाई हैं। अच्छा। इनकी बड़ी खूबसूरत सी लेबोरेटरी है। मैंने जब अपनी लाइफ में स्टार्ट लिया था ना, तो एक न्यूज़पेपर था जिससे मैंने आगाज किया था, तो वो न्यूज़पेपर कभी कभी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी इन भाइयों की तरफ जाना पड़ता था। तो इस तरह से लाइफ की जर्नी थी, जीरो से लेके अभी भी जीरो ही है, कौन सा कोई हीरो बन गए या बड़े बड़े बहुत आगे निकल आए हैं, उसी स्टेप पे बस थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड हुआ है। लेकिन ये दोस्त, ये लोग वो थे जिनके साथ मेरा बड़ा अच्छा और काफी टाइम ज्यादा गुजरा। बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को जब हम देखते हैं किसी भी स्टेज पे अपने साथ, तो एक बड़ी खुशी होती है कि ये लोग आज भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल। अली हसन जानते हैं भाई मेरी, मैंने ऑमलेट बनाया था, देखे मेरा फीडबैक आ रहा है आपके सफर वाले पे। बताएं कि आपने क्या पकाया। अली हसन वेरी गुड, थैंक यू अली हसन, थैंक यू। बिलाल बुजाड़ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, लाला जी की हाल ने थोड़े? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा वीर तू कैसे हैं? बेहतरीन है। ओके। इसके अलावा सुफियान मुगल कहते हैं कि साडे नाल भी कोई गल कर लो सर, करते रहे मेरी जान। उमर रशीद हमें ज्वाइन करते हैं, पता नहीं कौन से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। Firstly, I would like to praise both of you for hosting such a remarkable program, sir. I haven't experienced yet of preparing any dish, but wish ke Mrs. se cooking seekhun. Oh, nice. Eh, indirectly tusi tareef mari hai na? Eh, main sab samajh raha. Acha, mujhe ek baat bataiye. Kabhi aapne murga banaya ho? मुर्गा बनायो? चिकन कब से पकाया? मुझे समझ आ रही है आपकी बात की। नहीं, मुर्गा नहीं अभी तक किसी को बनाया। मुर्गा बिल्कुल नहीं बनाया। वो टीचर किसी से ना, किसी से पूछना हो ना, शॉर्ट्स में पूछे, और वो उसको समझना है कि कुकिंग की बात हो रही है कि किसी के हस्बैंड की बात हो रही है। सिंपल उससे ये पूछे, कभी आपने मुर्गा बनाया? ये क्वेश्चन आप अक्सर जो है ना वो टीचर से करें, क्योंकि टीचर जो है ना वो अक्सर वो अपने स्टूडेंट्स को मुर्गा बनाते हैं। उमर रशीद कहते हैं कि डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड माय कमेंट्स प्लीज। ओके, आपका कमेंट तो जनाब वेलकम करते हैं। ओके, नमान सगीर हमें ज्वाइन करते हैं, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। देखा मेरा फीडबैक आ रहा है, खाने पीने वाला कोई नहीं। कॉलर्स सोए हुए हैं, कॉलर्स बिल्कुल इस टाइम सोए हुए हैं। मैं तो अब आई कॉल, मैं बताती हूँ। नहीं, अब जो कॉल करेगा क्या उसको सजा मिलेगी? जी बिल्कुल, उसे सजा मिलेगी। उससे एक और क्वेश्चन किया जाएगा कि वो जिन्हें वो भी बताएं हमें अब। ओके जी, कॉलर कॉल करें, देखिए मैं कॉल लेके आता हूँ। ओके, कॉलर कॉल करें 0537601961 पे, और बताएं कि अगर वो सफर में जाएंगे तो कौन सी तीन चीजें होंगी जिनको साथ लेकर जाएंगे। अगर तुहाडे कोले तीसरी चीज नहीं तो मैं तुहानू प्रोवाइड कर देना। रेडियो होता है ना एंटरटेनमेंट के लिए। साथ साथ आपने ये भी बताना है कि अगर आपने कौन सी चीज है जो आपने सबसे पहले बनाई थी और वो कैसी पकी थी, और क्या आपने कोई बनाई भी है? कुछ लोग ना बड़ा प्राउड फील करते हैं कि नहीं नहीं हमने तो आज तक कभी कुछ नहीं बनाया। तो कभी होता भी है, कभी पकाने पड़ भी जाती है, बड़ी कुकिंग आनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगी ऐसा ही। मुझे बताइएगा शहजादी, हम बात करें सफर पे जाने की, सफर आपने भी जिंदगी में बहुत ज्यादा किए, कोई बड़ा यादगार सफर जिसको आप बोलें कि मेरा बड़ा मेमोरेबल? मेरा नारायण भगवान का एक टूर था। अच्छा, वो बहुत मेमोरेबल था, उसको मैं आज भी याद करती हूँ। दिल करता है कि मैं दोबारा उस जगह पे चले जाऊँ। अच्छा, उन लोकेशंस पे और वो झील सैफुल मुल्क पे जाना। सुना है कि इन दिनों सर टॉप और लुलू सर टॉप तक हम गए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। असी दूजे नु आपे सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहां से? वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं उमर रशीद बात कर रहा हूँ,
ओके ओके उमर साहब ठीक ठाक, अभी मुझे पता चला कि आपने कुछ नहीं बनाया लेकिन आप अपनी वाइफ से सीखना चाहते हैं। जी सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इंक्लूडिंग माय कमेंट इन लाइव ट्रांसमिशन। सेकंडली आई वुड लाइक टू नो डाउट फॉर सच अ ट्रेमेंडस प्रोग्राम फॉर सच अ ट्रेमेंडस ट्रांसमिशन। थैंक यू सो मच। आपका जो क्वेश्चन है उसका मैंने जो भी जो जवाब देना चाहता हूँ वो मैंने कमेंट में मेंशन कर दिया था कि अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ कोई डिश प्रिपेयर करने का, लेकिन एक ऐसा कुछ सीख सकूँ अपनी फैमिली से ना। ठीक ठीक ठीक। इसके अलावा उमर ये भी बताइएगा कि अगर आपको किसी सफर में जाना पड़े और तीन चीजें ऐसी हैं जो आपने अपने साथ लेके जानी है तो वो अपने बताने के वो सिर्फ जी जी अगर आपने किसी सफर पे जाना हो और आपके पास सिर्फ तीन चीजें हो तो वो कौन सी तीन चीजें हैं जो आप अपने साथ लेके जाएंगे, जरा सोच समझ के बताइए। नहीं नहीं ऑप्शंस नहीं, कोई ऑप्शंस नहीं है, बस तीन चीजें हैं विदाउट एनी ऑप्शन। अच्छा मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने किसी सफर पे जाना है और सिर्फ तीन चीजें हैं जो आपने अपने साथ लेके जानी है तो वो ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो आप अपने साथ लेके जाएंगे? सबसे पहले तो अपना मोबाइल लेके जाना चाहूंगा। ओके एंड देन दूसरा वाइफ, तीसरा टेप, सेकंड ये तो हो गया। सबसे पहले और सेकंड और सबसे पहले आप कह सकते हो कि फैमिली हो साथ साथ लेकिन ये अपना ये मोबाइल से तो आज पर आप जो यू नो वेरी वेल मोबाइल है। तीसरी चीज तीसरी कौन सी है? तीसरी कड़ी है पाजी, शक से निकालना है मोबाइल होना चाहिए। और तीसरी जो चीज है वो जॉब से बहुत छुट्टी होनी चाहिए, जॉब से बहुत ज्यादा छुट्टी। ओके थैंक यू।